Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। यूपी में काबा एक बार फिर से बाबा, ये हम नहीं ये तमाम एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि इस बार जो है यूपी चुनाव में बुलडोजर चला दिया जाएगा साइकिल पर। अखिलेश यादव वर्सेस योगी कहा जा रहा था इस बार के चुनाव में, और जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार वापसी करेगी। और अगर ऐसा होता है तो 1985 के बाद से ये पहली बार होगा कि यूपी में सरकार जो है वो वापसी कर रही है। एक लगातार जो है दो उसके कंजेक्टिव टर्म्स होंगे। आपको बता दें, इंडिया टुडे माई एक्सिस एग्जिट पोल के जरिए से ये दावा किया जा रहा है कि इस बार भाजपा को 228 से 326 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में 71 से 101 सीटें जा सकती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को होते हुए दिखाई दे रहा है। बसपा को 3 से 9 और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य पार्टीज के खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है वो फैक्टर्स जो कि अगर ये एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो सही है, और जिस तरह के आंकड़े हैं, सिर्फ इंडिया टुडे के एग्जिट पोल ही नहीं, तमाम जो भी आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि बहुमत से बीजेपी की सरकार वापस आ रही है। अगर ऐसा होता है तो क्या है वो फैक्टर्स जो कि योगी सरकार को वापस लाने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं किस तरह से किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा था, जिस पर अखिलेश यादव की पार्टी अखिलेश और जयंत चौधरी का जो ये गठबंधन था एसपी और आरएलडी का, बताया जा रहा था कि फार्मर इश्यू पे, किसान के मुद्दे पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं भाजपा पर। लेकिन जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो इसके उलट दिखाई दे रही है। कहीं भी बीजेपी को क्षति होते नहीं दिखाई दे रही, अगर आप इन नतीजों को माने तो। क्या है वो फैक्टर्स जो कि योगी सरकार के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, आइए जानते हैं। योगी सरकार की एक मजबूत छवि रही उत्तर प्रदेश में भाजपा की वापसी का बड़ा कारण, योगी सरकार की एक मजबूत छवि रही जो वोटरों को एक बड़े वर्ग को लुभाने में सफल रहा। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक मजबूत सीएम, इस सरकार को एक मजबूत सरकार के तौर पर लोगों के सामने पेश किया, जिसका असर सीधे वोटरों पर पड़ा। चुनाव के दौरान भाजपा ने राज्य की मजबूत कानून व्यवस्था, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के नारे के साथ एक बड़े वोट बैंक को अपने साथ लेने में सफल रही। योगी सरकार की जो छवि है वो तो एक बात है ही, लेकिन मोदी और योगी जो फैक्टर है, एक कॉम्बिनेशन या यूं कहें डबल इंजन सरकार जिसको कहा जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है या कारण बन सकता है अगर ये नतीजे जो हैं वो सही प्रूव होते हैं। डबल इंजन सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव में 2 दर्जन से ज्यादा सभाएं और रोड शो किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 179 चुनावी जनसभाएं और रोड शो कर अपनी सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाया। अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता जितने भी रहे हैं बीजेपी के, वो सब ग्राउंड पर दिखाई दिए और जी जान लगाकर कैंपेनिंग में मसरूफ रहे। अब सिर्फ योगी मोदी फैक्टर ही नहीं, लेकिन मुफ्त अनाज जैसी जो तमाम यहाँ पर योजनाएं रही हैं इस सरकार की, वो भी बहुत बड़ा कारण बन सकती हैं। मोदी और योगी सरकार की लाभार्थी स्कीम, यूपी में भाजपा की जीत का सबसे बड़ा कारण मुफ्त अनाज मुफ्त मकान के साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बड़ा फैक्टर रहा, और वो चुनाव में भाजपा के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होता दिखाई दे रहा है। भाजपा ने अपना पूरा फोकस मोदी और योगी सरकार की लाभार्थी स्कीम पर किया। भाजपा ने कास्ट के नैरेटिव को क्लास के नैरेटिव में बदला, यानी कि जाति के नैरेटिव को कहीं ना कहीं वर्ग के, क्लास के नैरेटिव में बदल दिया। ये चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने मुफ्त राशन के साथ खाद्य तेल, आयोडाइज्ड नमक, दाल और चना को भी जोड़ दिया, जिसका सीधा असर वोटरों पर पड़ता नजर आ रहा है। अब जब बात आती है यूपी चुनाव की या यूपी की, तो कास्ट देखिए बहुत ही ऑब्वियस चॉइस बन जाता है जब बात आती है बड़े फैक्टर्स में से, और यहाँ पर ओबीसी जो वर्ग है वो बीजेपी के फेवर में दिखाई दिया है। ओबीसी वोटरों का एक मुश्त भाजपा के साथ, 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण ओबीसी वोटरों का एक मुश्त भाजपा के साथ होना था। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की सत्ता में वापसी का बड़ा कारण भाजपा के साथ नजर आना है। गैर जाटव वर्ग भी भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है।
और ऐसे में मजबूत वोट बैंक और मजबूत टिकट वितरण जो है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर वो भी बीजेपी का एक बड़ा फैक्टर नज़र आ रहा है, जिस तरह के यहाँ पर आंकड़े, जिस तरह के एग्जिट पोल रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। भाजपा का मजबूत वोट बैंक, उत्तर प्रदेश में भाजपा का मजबूत वोट बैंक उसके साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। यूपी चुनाव शुरू होने से ठीक पहले संघ का पर्दे के पीछे एक्टिव होने से भाजपा कार्यकर्ता ठीक चुनाव के समय एक्टिव नजर आए, जो भाजपा की सत्ता में वापसी का बड़ा कारण साबित हुआ। इसके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा किसान वोट बैंक की काट के लिए जिस तरह जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, उसके चलते भाजपा जाट वोटरों को अपने साथ लेने में सफल नजर आ रही है। इसके अलावा हम सब जानते हैं किस तरह से भारत में यूपी जो है उसको एक हिंदू या हिंदुत्व की लेबोरेटरी कहा जाता है, और ऐसे में राम मंदिर जैसे जो तमाम मुद्दे होते हैं, या फिर हाल ही में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, वो भी एक अहम फैक्टर जो है वो माना जा रहा है। इसके साथ साथ हमने देखा है किस तरह से किसान की स्कीम्स की हमने बात की, और इवन जिस तरह से कोरोना के वक्त भी जो है फ्री खाना वगैरह जैसी कई ऐसी स्कीम्स थी, या यूँ कहें जो मदद देने की बात की गई थी गवर्नमेंट द्वारा, यूपी सरकार द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं उनके फेवर में जाते हुए नज़र आ रही है। बता दें उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। पिछले चुनाव में भाजपा गठबंधन को 325 सीटें मिली थी। अकेले बीजेपी ने 300 से ज़्यादा सीटों पर कब्जा जमाया था। यूपी में बीजेपी का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। सपा गठबंधन 47 सीटों पर सिमट गया था, वहीं बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटों से संतोष करना पड़ा था। तो हमने आपको बताया किस तरह से इंडिया टुडे माय एक्सिस एग्जिट पोल बता रहा है कि एक बहुमत के साथ जो है यूपी में योगी सरकार की वापसी होने वाली है। अखिलेश यादव ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है ग्राउंड पर, और जिस तरह से उनकी रैली में भारी भड़कम भीड़ देखने को मिली थी, इससे लग रहा था कि बहुत ही कड़ी टक्कर देने वाला है। लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, और तमाम जितने भी चैनल्स ने एग्जिट पोल किए हैं, हमने आपको एक पोल्स ऑफ पोल्स का भी एक स्टोरी है वो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने बताया किस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर साफ एक क्लियरली दिख रहा है कि बीजेपी जो है, सब जो पोल्स है वो यही कह रहे हैं बीजेपी वापस आने वाली है। अब ऐसे में इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा 10 तारीख का, जब नतीजे आने वाले हैं। तमाम रिएक्शन जो भी आ रहे हैं सपा की तरफ से, वो अभी भी सकारात्मक हैं और कह रहे हैं कि हम इस एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं, और हम जो है 10 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। तो 10 तारीख को भी हम आपसे मिलेंगे, तब तक तमाम जो भी खबरें रहेंगी यूपी चुनाव से जुड़ी, और दुनिया जहाँ की जितनी भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उससे जुड़ी हुई तमाम जो खबरें होंगी, वो सब आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए सिर्फ न्यूज़ तक पर।